हेलो दोस्तों, क्या आपको एसीएल लिगामेंट की चोट है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर कैसे चेक करते हैं कि एसीएल लिगामेंट टूटा है कि नहीं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एसीएल लिगामेंट की चोट के डॉक्टर डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट की चोट एक बहुत ही सामान्य समस्या है। इसमें जब लिगामेंट की चोट लग जाती है तो पेशेंट को दौड़ने भागने में, रनिंग करने में, स्पोर्ट्स खेलने में दिक्कत होने लगती है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार डॉक्टर्स को पता कैसे चलता है कि एसीएल की चोट लग गई है। सबसे बड़ी बात तो होती है दोस्तों पेशेंट की हिस्ट्री। पेशेंट हमको हिस्ट्री देता है कि मैं बाइक से जा रहा था या मैं कोई गेम खेल रहा था और अचानक से मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, मेरे पैर पर झटका आ गया, एक पॉप की आवाज़ आई और उसके बाद मुझे लगा कि घुटने में तेज़ सूजन आ गई है और दर्द हो रहा है। उसके बाद जब वो पेशेंट चलने की कोशिश करता है तो उसको चलने में बैलेंस की प्रॉब्लम आती है। उसको लगता है कि अचानक से उसका पैर घूम जाएगा, वो तेज़ नहीं भाग सकता, वो रनिंग नहीं कर सकता। अगर कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर मेरा पैर पूरा मुड़ रहा है, मैं नॉर्मल चल पा रहा हूँ, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि भैया जब एसीएल टूट जाता है तो आपके पैर की उम्र एकदम से बढ़ के 50 साल हो जाती है। जैसे आपके घर में कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग दादाजी या आपके पिताजी हैं जिनकी एज 50 साल या 55 साल है, तो जिस प्रकार से वो चल सकते हैं आप भी चल सकते हो, वो सीढ़ियाँ उतर सकते हैं आप भी उतर सकते हो। लेकिन अगर उन्हें रनिंग करने को कहा जाए तो वो रनिंग नहीं कर सकते, और अगर आपका एसीएल टूटा हुआ है तो आप भी रनिंग नहीं कर सकते। या बीच बाज़ार में कोई आपका पर्स लेके भाग जाता है तो आप उसे पकड़ नहीं सकते। या फिर दूसरा उदाहरण दूँ, जैसे आपने कोई टिकट लिया ट्रेन का और ट्रेन थोड़ी सी भी चलने लगी तो आप उसको नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि एसीएल में जो आपका गाड़ी है उसका फर्स्ट और सेकंड गियर तो रहता है लेकिन थर्ड और फोर्थ गियर ख़त्म हो जाता है। आप एक धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बन जाते हो जो नॉर्मल तो चल सकता है लेकिन कोई उसका फास्ट रिस्पॉन्स नहीं बचता। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कैसे चेक करता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये ऊपर की हड्डी है जिसे हम फीमर समझते हैं, ये नीचे की हड्डी है जिसको हम टिबिया समझते हैं, और एसीएल एक रस्सी की तरह होता है। इसका काम होता है टिबिया को आगे निकलने से रोकना। देखें, जैसे टिबिया आगे निकल सकती है लेकिन ये एसीएल रोकता है, लेकिन अगर एसीएल ना हो तो टिबिया बहुत ज़्यादा आगे निकल सकती है। आप देख सकते हैं ये लिगामेंट क्या कर रहा है, अभी टिबिया को आगे निकलने से रोक रहा है तो हम ऐसे चल पाते हैं, लेकिन अगर एसीएल टूट गया तो पैर आगे निकलने लग जाता है। इसी प्रिंसिपल पे हम ये जो वीडियो है वो आप जो आगे का पोर्शन देखेंगे आप देख सकते हैं कि एंटीरियर ड्रावर टेस्ट और लकमान टेस्ट मैंने डेमोंस्ट्रेट किए हैं कि किस प्रकार से हम ये चेक करते हैं कि पेशेंट को एसीएल टियर है। एक बात मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो टेस्ट है ये ऑपरेशन से पहले के लिए बनाए गए हैं, कृपया करके ऑपरेशन के बाद इन टेस्टों को ना करें वरना आप अपने लिगामेंट को लूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद एंटीरियर ड्रावर और लकमान टेस्ट कम से कम 6 महीने तक बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कई लोग मैंने देखा है कि खुद ही घर पर ये टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा। तो दोस्तों, हम आपको डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि एसीएल की चोट के अंदर जो एग्जामिनेशन है डॉक्टर किस प्रकार से करते हैं। दो इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं इसके अंदर, एक तो एंटीरियर ड्रावर टेस्ट होता है और एक लकमान टेस्ट होता है। तो एंटीरियर ड्रावर टेस्ट के लिए हम पेशेंट के पैर को फोल्ड कर लेते हैं। पेशेंट का पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसका पैर पूरा रिलैक्स होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो घबरा के पैर को टाइट कर लेते हैं तब एंटीरियर ड्रावर टेस्ट नहीं आता। पूरा रिलैक्स होने के बाद आप नोटिस कर सकते हैं पैर का जो मूवमेंट है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि पैर कम से कम एक आधा इंच आगे आ रहा है। लेकिन यही मूवमेंट जब हम दूसरे पैर में करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि पैर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं कि जो पेशेंट है उसका एसीएल टियर हो सकता है। एक बार मैं दोबारा आपको डेमोंस्ट्रेट करूँगा कि ढीला रखिए, एक बार पैर को बिल्कुल लूज़ कर दीजिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं पैर मूव कर रहा है। इसी प्रकार से एक लकमान टेस्ट होता है, इसमें हम पैर को थोड़ा सा 30 डिग्री मूव करते हैं और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पैर प्ले दे रहा है। तो ये लकमान टेस्ट है और एंटीरियर ड्रावर टेस्ट है। इन दोनों टेस्टों के माध्यम से हम चेक करते हैं कि पेशेंट को एसीएल इंजरी है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से ये एंटीरियर ड्रावर, लकमान टेस्ट और हिस्ट्री के द्वारा हम ये डायग्नोसिस करते हैं कि आपको एसीएल टियर है। इसके अलावा जब हमें पूरा यकीन हो जाता है कि एसीएल टियर है तो उसको कन्फर्म करने के लिए हम 3 टेस्ला एमआरआई का उपयोग करते हैं, जिसमें हम आपके एमआरआई कराते हैं और उसके अंदर जो फिल्म्स होती है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि आपको एसीएल के साथ कोई और चोट जैसे मेनिस्कस इंजरी, कार्टिलेज इंजरी, ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट या कोई एसोसिएटेड लिगामेंट जैसे एमसीएल, एलसीएल या पीसीएल की इंजरी तो नहीं है। इन सब के हिसाब से ही हम आगे का डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको शिक्षाप्रद जानकारी मिली होगी।
अगर आपको भी ACL से समस्या है तो आप हमारे नीचे लिखे गए नंबरों पर अपनी रिपोर्ट को WhatsApp कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन के द्वारा कॉन्टैक्ट करते हैं, दोस्तों हमेशा मेरा फ़ोन उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप WhatsApp के द्वारा मुझे संपर्क करें, अपनी रिपोर्ट मुझे भेजिए और हम पूरा आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।